शब्बीरपुर के दूसरे फेसबुक लाइव में आपका स्वागत है चलचित्र अभियान से। अभी हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि शब्बीरपुर के कई सारे दलित समाज के लोग आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं, क्योंकि जो रासुका लगी है, सिर्फ एक तो भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर आज़ाद पर रासुका लगी है, लेकिन उसी के साथ साथ शब्बीरपुर के भी कई सारे दो लोगों पर रासुका लगी है और दो दलितों पर रासुका लगी है, और उसी के साथ साथ कई सारे और लोग दलित समाज से भी, कई लोग जिन पर हमले हुए थे वो भी आज जेल में हैं, जिनमें से कईयों पर रासुका नहीं भी लगी लेकिन फिर भी जेल में हैं। हम अभी उन लोगों से बात करेंगे, उनके घर वालों से बात करेंगे जो अभी जेल में हैं, जिन पर रासुकाएं लगी हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग अपने कमेंट्स या कोई भी संदेश हो शबीरपुर के लोगों के लिए वो आप भेजते रहें, हम आपके संदेश यहाँ तक ज़रूर पहुँचाएंगे। लेकिन जो लोग, जिनके रिश्तेदार अभी जेल में हैं, चाहे भाई हो, चाहे बेटे हो, चाहे पति हो वो या पिता हो जो अभी जेल में है, और उनके साथ क्या दिक्कतें हो रही हैं, उनसे हम अभी बात करेंगे। सब लोग अभी भूख हड़ताल पर बैठे हैं, मैं आपको याद दिला रहा हूँ जी। हमारे साथ आपका नाम दीपा, दीपा के पिताजी जो कि इस गांव के प्रधान भी हैं शिव कुमार जी, वो उन पर भी रासुका लगी है। दीपा, कब अरेस्टिंग हुई थी आपके पिताजी की, और कब से जेल में, और रासुका कब लगी थी? हाँ? कब लगी? अच्छा, आपके अरेस्टिंग कब हुई थी आपके पिताजी की, आपको कब उनको जेल लेकर गए थे? बोलिए। हाँ, पंद्रह 15 मई को, खैर रासुका अभी 15 कौन सी जून को, ठीक है, 15 अक्टूबर को रासुका लगी थी, माफ करिएगा। ये अभी एक कमेंट करो, कमेंट आया है जगदीश साहब का, शबीरपुर के लोगों के लिए अपना समर्थन, उन्होंने अपना समर्थन दिया है, उन्होंने लिखा है संघर्ष करो हम आपके साथ हैं, जय भीम। अरुणा जिनके भाई अभी जेल में हैं, अरुणा क्या नाम है आपके भाई का और क्यों जेल में गए हैं वो? ये 5 तारीख के दंगे में रात में उठा लिए गए थे, और उसकी उम्र 15-16 साल की है, और उन्हें कुल अब 6 महीने और ये 7वां महीना स्टार्टिंग हो चुका, और मैं मतलब जेल में उनके वहाँ पे जाने पे, क्योंकि हमारे में सबसे छोटा है, हम 4 बहन भाई है, उसकी वजह से हमारा खाना पीना कोई अच्छा नहीं हो पाता, ऐसा ही रखा रहता है। और फिलहाल मम्मी कल उनसे मिलने के लिए गई थी, उनकी 1 हफ्ता से बुखार आ रहा है, उन्हें सर्दी वगैरह लगी है, लेकिन उन्हें कोई दवाई या कोई ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा जेल के अंदर। अच्छा, जी उनको कितने, क्या अभी बुखार है उनको अभी जी? जेल में हाँ जी, बुखार है जी उन्हें। आप अभी कब उनसे मिलने गए कल थे, मम्मी मिलने गई थी उनसे, तो क्या बता रहे थे वो आपको? बुखार है ना, उनके सामने भी गर्म लोई और डाल रखी थी उसने, हाँ, बहुत ज्यादा बुखार है, अच्छा, कोई ट्रीटमेंट अंदर नहीं हो पा रहा। उनकी फोटो भी शायद आपके, छोटू की फोटो आप देखें, छोटू छोटा अभी 15 या 16 साल के हैं, और इनको भी जेल डाल दिया गया है, शब्बीरपुर गांव के एक दलित नौजवान हैं। और आप ये देखिए कि जिस समाज पर ही यहाँ पर हमला हुआ था, उन्हीं के ऊपर रासुकाएं भी लगाई जा रही हैं और जेल भी भेजा जा रहा है। एक और मैसेज आया है अली हाशमी साहब से, संघर्ष करो हम सब आपके साथ हैं, शब्बीरपुर के लिए प्रशासन होश में आए। तो देश भर से लोग अपना समर्थन आप लोगों के लिए भेज रहे हैं, आप लोगों के साथ खड़े हैं संघर्ष में। आपका नाम है जी? रचना जी। आप हाँ जी, बच्ची है, 4 4 बेटियां हैं, किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं घर में उनके जेल जाने के बाद और रासुका लगने के बाद? क्या नाम, बच्चों कुछ नहीं मिल रहा जी। बच्चों कुछ नहीं मिल रहा, कपड़े कुपड़े ना, खाने को ना कपड़े भी, खाना पीना भी जी, जो ना तीसरे दिन ना नमूनी है रहा है, 1 रुपया नहीं है, जब बच्चे नहीं रहा दर्द में पड़े में, कौन कौन खर्चा देगा ना जी, बिन को बाप जेल में बताओ तो चाचा कौन की जी के हो, मैं कहां से लोग मुद्रा लोग मैं कहां से पैसा लोग, किसी ने समाज ने ना किसी गांव वालों ने किसी ने कृपा नहीं दिया।
आप सारी दिक्कत है, दिक्कत पूरी क्या हो रही हमारी दिक्कत, जो हमारा लड़का अगातम उठा यार, हमारे लड़के को आज रात सुखा लग रही, दूसरे करसान का काम कर रहा था जी। आप देखिए ये लोग, और सोनू मजदूरी करता था, और जो सब लोग अभी जेल में हैं, चाहे सोनू हो, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर ज्यादातर लोग जो बैठे हैं और जो जेल भी गए हैं वो सब यहाँ के राजपूतों के ही खेतों में काम करते थे, राजपूतों के लिए ही काम करते थे, और आज इस दंगे के बाद, 5 मई के दंगे के बाद काम भी मिलना कईयों को बंद हो चुका है, कई लोगों को तकलीफें भी बहुत हो रही हैं उसकी वजह से। अरुणा अभी आप बता रहे थे कि आपकी पढ़ाई को भी बहुत असर पड़ा है इसका। मेरे एग्जाम चले थे उस टाइम पर, और मैं मेरिट से बीएड कर रही थी, लेकिन हम लोग भी उधर उधर थे तो पेपर कैसे हो पाते, इसलिए हमारी पढ़ाई भी छूट गई लड़ाई दंगे की वजह से। आप क्या पढ़ रहे थे? बीएड कर रहे थे जी। कई सारे ऐसे नौजवान हैं जिनकी पढ़ाई भी, यहाँ शब्बीरपुर में दलित नौजवान लड़के लड़कियाँ जिनकी पढ़ाइयाँ भी रुक गई हैं इस दंगे की वजह से, और ये है उनकी, ये सोनू कुमार हैं जो अभी जेल में हैं, जिन पर रासुका भी लगी है, राजपूतों के ही यहाँ खेतों में काम करते थे, मजदूरी करते थे, और यही यहाँ पर लगभग हालात है कि कई सारे यहाँ नौजवान हैं, कई सारे यहाँ लोग हैं जो यहाँ अलग अलग जगह मजदूरी कर रहे थे, लेकिन मजदूरी भी मिलनी कईयों को बंद हो गई है 5 मई के दंगे के बाद, और उल्टा ही यहाँ पर रासुकाएँ भी दलित समाज के ही लोगों पर लगाई जा रही हैं। ये कैसा रवैया है इस सरकार का, इस प्रशासन का, ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इसी के खिलाफ आज यहाँ पर शब्बीरपुर में लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अली हाशमी जी का और प्रमोद आज़ाद जी का भी एक संदेश आया है आप लोगों के लिए, वो कह रहे हैं कि आपके संघर्ष में पूरे भारत के दलित आपके साथ हैं, जय भीम। तो आप देख सकते हैं कि मतलब पूरे मुल्क से अली हाशमी जी कह रहे हैं, बड़े भाई अगर सरकार नहीं सुनती तो जेल भरो अभियान चलाएंगे जब तक रासुका हटाई ना जाए। तो आप लोग भी ये जाने कि देश भर से लोग आपके संघर्ष में आपके साथ खड़े हैं, जेल भरो की बात कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं। हम कुछ ही देर में, और अभी महेंद्र जी का भी एक संदेश आया है, मायावती जी शब्बीरपुर केस में हस्तक्षेप करे, बहुजन समाज को का ध्यान दे। जी ये भी एक सवाल कई लोग अभी पूछ रहे हैं कि क्यों मायावती जी इस मुद्दे पर नहीं बोल रही हैं, खासकर की जो रासुकाएं लगी हैं शब्बीरपुर के लोगों पर भी, जो रासुकाएं लगी हैं, और उसी के साथ साथ चंद्रशेखर आज़ाद पर भी जो अभी रासुका लगी है कुछ दिन पहले, ये एक बड़ा सवाल है, और इस सवाल को कई लोग अभी पूछ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि मायावती जी और अन्य राजनेता भी इन रासुकाओं के खिलाफ और शब्बीरपुर के लोगों के साथ और यहाँ के आम दलित समाज जिन पर शोषण हो रहा है उनके साथ अपना समर्थन व्यक्त करेंगे। अरुणा आप कुछ और जोड़ना चाहते हैं? सर मैं ये जोड़ना चाहती हूँ कि मतलब रासुका नहीं हटाया जाए, चाहे हमें एक हफ्ता हो जाए, चाहे दो हफ्ता जाए, चाहे हम एक आदमी से मर भी जाए, लेकिन इतना रासुका नहीं हटेगा, यहाँ भूख हड़ताल से नहीं हटेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। हम यही उम्मीद कर सकते हैं जो अभी अरुणा ने बोला, ऐसा ना हो। उन्होंने कहा कि चाहे किसी की जान भी चली जाए लेकिन हम लोग यहाँ इस भूख हड़ताल से नहीं हटेंगे जब तक रासुकाएं नहीं हटाई जाएंगी। हम यही उम्मीद करते हैं कि प्रशासन इसको सुनेगा, इनकी मांगों को सुनेगा, और इस तरह की नौबत नहीं आएगी। सैयद समीउल्लाह का एक संदेश आया है, दलित भाइयों और बहनों से निवेदन है, आप सब मिलकर चंद्रशेखर आज़ाद के लिए आंदोलन करें। जैसे आप देख रहे हैं कि इस मुद्दे को आज एक देशव्यापी मुद्दा बन चुका है, और जो 5 मई को जो घटना हुई थी वो यहीं इसी शब्बीरपुर गांव से ही शुरू हुई, जहां पर दलितों पर हमला हुआ, उन्हीं के ऊपर केस लगाए गए, उन्हीं को जेल भेजा गया, उन्हीं के और अभी उन्हीं पर ही रासुकाएँ भी लग रही हैं, और
दलित नौजवान, एक बहुत बड़े लीडर जो हैं दलितों के और दलित समाज के जो शोषण के खिलाफ जो लड़ रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद रावण, उन पर भी 2-3 दिन पहले रासुका लगा दी गई है। अब सभी से अनुरोध है कि आप लोग अपने मैसेजेस भेजते रहिए, आप लोग अपने संदेश भेजते रहिए। अगर आप कुछ शब्बीरपुर के जनता को बोलना चाहते हैं, कई लोग ये भी पूछ रहे हैं कि क्या योगी सरकार, जो नई सरकार आई है, भाजपा की जो सरकार आई है, उसके बारे में आप लोग की क्या राय है? क्योंकि ये जो भाजपा की सरकार पहले केंद्र में आई थी, सबका साथ सबका विकास का नारा देते हुए, और फिर वही नारा, और भी नारे लगे थे यहाँ खैर, लेकिन उत्तर प्रदेश में यही वादा किया था कि सबका साथ सबका विकास होगा जब ये नई सरकार आई है। क्या आपको लगता है कि ये सरकार अपने इन वादों पर खड़ी उतर रही है? जी नहीं, सबसे गंदी सरकार है जी। अगर ये सरकार ना होती तो ऐसा ना होता जी दलित लोगों के साथ। ये सिर्फ मतलब अपने लोगों को देखती है, जैसे कि हम गरीब लोग, दलित लोग और बाकी कास्ट भी आती है। मतलब अगर ये ऐसा ना करती तो बराबर रखती ना सभी को एक साथ, समान एक समान देखती तो आज हमारे साथ मतलब हमारा ही नुकसान, हमारे घर जले हुए हैं और हमारे ही लोग, लड़के और हमारे ही भाई जेल में गए हैं, उन पर ही रासुका लगाई गई है, उन्हें ही सख्त सख्त कार्रवाई। और जेल के अंदर जो जैसे कि चंद्रशेखर उपरावण जी हैं, उन्हें भी मैं बीमार हुए, उनका ट्रीटमेंट नहीं कराया, उन्हें मारने की साजिश रची गई है। और जैसे कि मेरे भाई छोटे हैं, जेल के अंदर देवबंद है, वहाँ पर भी उन्हें कोई दवाई वगैरह नहीं मिले, तो ये सरकार की एक चाल है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि ये सरकार का एक तरफा कार्रवाई है, एक तरफा रवैया है, दलित विरोधी है, और अभिमन्यु गांधी ने कहा है, पीपल आर रेडी टू डाई, दे आर डाइंग एवरी डे, बट ऑल ऑफ अस आर टर्निंग अ ब्लाइंड आई। वो कह रहे हैं कि लोग मरने के लिए तैयार हैं और लोग रोज मर भी रहे हैं, लेकिन शायद हम अपनी आंख मूंद रहे हैं इन सच्चाइयों से। यही सच्चाई है, हो भी सकती है कुछ हद तक, लेकिन आप जैसे देख रहे हैं कि शब्बीरपुर के नौजवानों, शब्बीरपुर के दलितों पर जो हमला हुआ था 5 मई को, उसके बावजूद अभी तक ऐसा नहीं है कि शब्बीरपुर के दलित वहां पर हिम्मत हार गए हैं या डर के बैठ गए हैं, बल्कि संघर्ष उनका आज भी जारी है, शांतिप्रिय तरीके से संघर्ष कर रहे हैं, भूख हड़ताल पर बैठ रहे हैं, और हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत जल्दी इसका समाधान प्रशासन और शासन निकालेंगे और यहाँ के दलित समाज पर और जो ऑलरेडी अभी तक काफ़ी पीड़ा हो चुकी है, और इस तरह की पीड़ा ना हो। एक और सवाल है नरेंद्र सिंह जी का कि नेशनल मीडिया इस मुद्दे को नहीं दिखाया। ये हमारे सामने भी सवाल है कि कहीं ना कहीं कुछ एक चैनल्स को या कुछ एक वेबसाइट्स को छोड़ दें अगर, लेकिन नेशनल मीडिया शब्बीरपुर के पास जो हिंसा हुई थी शब्बीरपुर में, वो वापस क्यों नहीं आ रहा है? इस तरह के मुद्दे यहाँ लगातार दलितों पर हमले होते आ रहे हैं, और भी गाँव में हुए हैं, लेकिन इस पर क्यों बातचीत नहीं हो रही है? अरुणा, आपके लिए एक संदेश आया है अली हाशमी जी का। अरुणा, हम सब आपके साथ हैं, जब तक रासुका ना हटे तब तक अभियान बंद ना करें। आपका हौसला अफजाई करने के लिए सब लोग आपके साथ हैं, और हमें उम्मीद भी है कि आने वाले दिनों में लोग शब्बीरपुर यहाँ पर आएंगे और खुद यहाँ पर आके अपना समर्थन व्यक्त करेंगे। हम थोड़ी देर बाद वापस आएंगे, एक और अभी मैसेज आपको पढ़ लें। अर्जन सिंह रेघर जी कह रहे हैं, हम राजस्थान से 500 लोग आ रहे हैं। मेरे ख्याल से ये 500 लोग अगर कह रहे हैं, मुझे पता नहीं सही में आ रहे हैं कि नहीं, लेकिन शायद आप ही लोगों के समर्थन में लोग यहाँ पर आएंगे, आ रहे हैं, वो कह रहे हैं आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, लेकिन ज़रूर मेरे को उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस तरह से लोग आएंगे आपके समर्थन में। और कोई कुछ जोड़ना चाहेंगे? बोलिए। बोलिए। यहाँ पर अत्याचार हो रहा, सातों महीना चल रहा है, यहाँ पर सब परेशान है, और जो मेरे भाई आ रहे हैं उनका पढ़ाई भी छूट गई, हमारी भी छूट गई, सब कष्ट है यहाँ से, सब अत्याचार हो रहा और बस बहुत बुरा हाल हो रहा। हम कह भी नहीं सकते अपनी बात, कितने हम दुखी हैं यहाँ पे, हमको ही पता, हम अपनी बात रख रहे 6 महीने हो गए, कोई नई कार्रवाई नहीं कर रहा सरकार भी,
सरकार साथ नहीं दे रही, कुछ भी नहीं कर रही यहाँ पे, ना किसी ने प्रशासन ने भी, यहाँ पे पुलिस वालों ने झगड़ा करवाया है। यहाँ पे सूचना दे दी थी जो यहाँ के समाज के लोग थे हमारे यहाँ पे, जब भी कुछ नहीं करा उन्होंने, डीएम पे सब पे सूचना गई, कुछ नहीं कर रही सरकार मदद। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि डीएम से भी और जो प्रशासन है किसी का भी समर्थन यहाँ लोगों को नहीं मिल रहा है। सबको ये महसूस हो रहा है कि शायद एक पक्षीय कार्रवाई हो रही है। बहुत सारे लोग, आप ध्यान रखें कि बहुत सारे यहाँ पर जो नौजवान लड़कियों से जो हम बात कर रहे थे, जो कह रही थी महिलाएं कि उनकी पढ़ाई छूट गई है, ये बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो पहली पीढ़ी अपने परिवारों से हैं, जो उच्च शिक्षा तक जा रही थी, माँ बाप ने बहुत संघर्ष करके उच्च शिक्षा तक भेजा था, लेकिन आज इस हिंसा की वजह से इनकी ये पढ़ाई भी रुक रही है। और जो प्रशासन का रवैया रहा है, इनमें से कई सारे लोगों को अब एक तरफा कार्रवाइयाँ जो हो रही हैं, जो इन पर दमन चल रहा है, इनमें से कई सारे लोगों को अब काम भी नहीं मिल रहा है, मजदूरी भी नहीं मिल रही है, और उसी के साथ साथ इनके बच्चों की पढ़ाइयाँ भी रुक रही हैं। और जैसे उन्होंने कहा कि आने वाले कई दिनों तक, जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा, जब तक रासुकाएँ नहीं हटेंगी, शब्बीरपुर के दलित कह रहे हैं कि ये यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे रहेंगे। हम यही उम्मीद करते हैं कि शासन प्रशासन ऐसी कोई घटना ना हो उससे पहले यहाँ पर आके इनकी मांगों को सुने और उस पर अमल करें। आप जुड़े रहिए चलचित्र अभियान के साथ, हम थोड़ी देर में फिर से वापस आएंगे लाइव।